कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरी छोटी सी दुनिया के लता कंसर्ट में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा होममेड सीरम तैयार करेंगे जो आपके बालों को ग्रोथ को तो प्रमोट करेगा ही, साथ ही जो हेयर फॉल्स हो रहे हैं उसे भी रोकेगा, और जो आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, जो गंजेपन की शिकायत है, उनमें भी आपको रीग्रोथ देगा। इस सीरम को तैयार करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें चाहिए एक मध्यम आकार का प्याज, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, और 10 से 15 करी पत्ता की पत्तियाँ, करी पत्ता के जो पत्तियाँ होती है उस वो जी नहीं, दाल नहीं फ्राई करना है, सीरम तैयार करने जा रहे हैं हम लोग। तो करी पत्ता, अदरक और प्याज, इन तीनों को लेके मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, जैसे भी आपको सुटेबल हो। हमें बस का हमें इसको ग्राइंड करने का इसका पर्पज है कि हमें इसका जूस निकालना है। तो आप इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत फाइन पेस्ट बनाएं, कोर्सली ग्राउंड कर लीजिए और इसको किसी महीन छन्नी में छान लीजिए ताकि इसका जूस निकल जाए। हमें इसके जूस की ज़रूरत है, बाकी का की चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको ग्राइंड करके जूस निकाल लेंगे। जब ये जूस हमें मिल जाए तो इसमें आधी चम्मच के लगभग कैस्टर ऑयल मिक्स कर देंगे। अगर आपको पूरी लेंथ में लगाना है तो आप इसमें सेसमे ऑयल डाल सकते हैं। मैं इसे पूरे लेंथ में लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि प्याज के रस से जो हेयर्स ड्राई हो जाते हैं तो उनको कवर करने के लिए मैं इसमें सेसमे ऑयल का यूज करती हूँ या फिर ऑलिव ऑयल का यूज करती हूँ। आप चाहे तो आधी चम्मच के लगभग ऑलिव ऑयल या फिर सेसमे ऑयल मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो एक जेल की तरह बन जाएगा, कम्प्लीटली एक मिक्स हो जाएगा। अगर आप जहाँ अफेक्टेड एरिया पे लगाना चाहते हैं तो सिर्फ वहाँ भी लगा सकते हैं, या फिर आप अपने पूरे स्कैल्प पे लगा के हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है तो आप मसाज ना करें क्योंकि वो और भी बाल टूटेंगे। सीरम को स्कैल्प पे पूरी अच्छी तरह से लगा करके उसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। जी हाँ, 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, परंतु अगर 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो इसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद फिर आप बाल धो लें, नॉर्मल किसी भी शैम्पू से आप हेयर वॉश कर लें। कोशिश करें कि हर्बल शैम्पू का यूज करें और उससे हेयर वॉश करें। अब इसे कितने बार लगाना है, कितने दिन के गैप में लगाना है ये जान लेते हैं। सिर्फ हफ्ते में 2 दिन लगाइए, हफ्ते में 2 दिन आप बाल धुलते ही होंगे, तो बाल धुलने से पहले इसे लगा लीजिए, बाल को अच्छे से टाई कर लीजिए, उसके बाद अपना काम करिए। फिर आप जब पूरा एब्जॉर्ब हो जाए ऑयल और जूस बालों में तो आप बाल धुल लीजिए। तो ऐसा हफ्ते में 2 बार करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसका, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसमें हमने यूज किया है प्याज। प्याज में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, स्कैल्प में किसी भी तरह के इन्फेक्शन हो उसमें भी फायदेमंद है। प्याज में बहुत अधिक मात्रा में सल्फर कंटेंट होता है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और जो हमारे हेयर के कोलेजन टिश्यू हों उनके बनने में भी मदद करता है। सल्फर हमारे बालों के मुख्य घटक जो कैरोटीन होते हैं उनके ग्रोथ में भी को भी प्रमोट करता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। और इसमें बहुत अधिक मात्रा में सल्फर कंटेंट होता है जिसकी वजह से ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब बात करते हैं अदरक की। अदरक में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अदरक का रस बालों पे लगाने से बालों का ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज होता है। अदरक में सिलिकॉन नामक तत्व पाया जाता है जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अदरक हमारे स्कैल्प पे ब्लड फ्लो को प्रमोट करता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा हमारे स्कैल्प पे तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। बात करते हैं करी पत्ता की। करी पत्ता ना सिर्फ हमारे हेयर्स को बल्कि हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप करी पत्ता खाते भी हैं और लगाते भी हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप डेली 5 से 6 करी पत्ते का सेवन करते हैं तो आपको बालों की कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी और आपके बाल बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे। तो आप करी पत्ता डेली खाइए भी और लगाइए भी। पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। करी पत्ता बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, तो करी पत्ता का यूज आप डेली लाइफ में अपने ऐड करिए करी पत्ता को, और बालों को स्वस्थ और हेल्दी बनाइए। आप इस रेसिपी को बनाइए और पूरे विश्वास के साथ बनाइए।
आपकी हेयर फॉल की समस्या को जरूर दूर करेगा। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है और अगर आप इस पे पूरा विश्वास रख के इसे आजमाएंगे तो जरूर ही फायदेमंद होगा। हेयर फॉल से रिलेटेड मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।